नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 9 दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद कल 3 जनवरी मंगलवार को फिर से शुरू हुई। बता दें, इस समय यात्रा उत्तर प्रदेश में है और आज 4 जनवरी बुधवार को यात्रा उत्तर प्रदेश के मावी कला से शुरू की गई, जो कि शाम के समय शामली में जाकर रुकेगी। साथ ही बता दें कि यात्रा 2.5 दिन तक यूपी में रहेगी और इसके बाद हरियाणा में दूसरा फेज खत्म कर फिर पंजाब में प्रवेश करेगी। कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कटेल के लव जिहाद वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पलटवार करते हुए 3 जनवरी मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी की प्राथमिकता विकास और रोजगार देने की नहीं रही है, कम से कम पार्टी अब ईमानदार तो है। चिंता मत करिए, कर्नाटक के लोग बीजेपी को बताएंगे कि वो आने वाले दिनों में किसे चुनेंगे। बता दें कि इसी साल अप्रैल मई में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल ने सोमवार 2 जनवरी को बीजेपी वर्करों को संबोधित करते हुए कहा था कि वोटरों से छोटे मुद्दे जैसे कि रोड और सीवेज पर बात नहीं करें। आपको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता और लव जिहाद को रोकना है तो बीजेपी की जरूरत है, हम ही इसके खिलाफ कानून लेकर आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू की गई और इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी का गाजियाबाद में पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया और लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर प्रियंका गांधी ने भाई राहुल को योद्धा बताते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व आप पर है। सत्ता का पूरा जोर लगाया गया, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए इनकी इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं, इन पर एजेंसी लगाई गई। अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, देश की सरकारी संपत्ति खरीद ली, देश की मीडिया को भी खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, ना ही खरीद पाएंगे, योद्धा हैं ये। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की खबर सामने आई है। बता दें, 2 दिनों के अंदर दूसरी घटना है जब पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी के पास इस ट्रेन पर पथराव की घटना हुई है और मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। बता दें, दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार शाम 5:57 पर मालदा पहुंची और पत्थरबाजी के कारण कोच नंबर 1 के शीशे टूटे हुए पाए गए। पूछताछ करने पर मिली जानकारी के अनुसार दिन में 1:20 पर जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी, उसी समय C3 और C6 दोनों कोचों पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी यानी सोमवार को मालदा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास शाम 5:10 पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई थी। वहीं इस सारे मामले को लेकर भाजपा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरा और NIA जांच की भी मांग की है। कवि और पूर्व राजनेता कुमार विश्वास ने दिल्ली के कंझावला केस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि दामिनी से लेकर अंजलि तक पिछले 10 सालों में दिल्ली में कुछ नहीं बदला है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीठ पर आज भी ताजा है वो लाठियां, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन। दामिनी से अंजलि तक 10 साल में कुछ नहीं बदला, ना सियासत ना ही पुलिस। दिल्ली पुलिस का आमूलचूल ओवरहाल आवश्यक है। देश की राजधानी में जितनी साधन संपन्न व अत्याधुनिक पुलिस होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस उस चेहरे से दशकों पीछे है। वहीं इससे पहले पूर्व राज्यपाल और सीनियर IPS ऑफिसर किरण बेदी ने भी कंजावला की घटना को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस घटना से 3 बातें सामने आती हैं। पहला है पुलिस की प्रतिक्रिया करने की प्रणाली में देरी होना, दूसरा लोगों में कानून का भय ना रहना और तीसरा पुलिस का नागरिक एजेंसियों के साथ एकीकरण ना होना। अगर सड़क पर रोशनी नहीं होगी तो कौन किसे सूचना देगा। बता दें कि 1 जनवरी की रात जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त एक 20 साल की युवती जिसका नाम अंजलि है, उसकी स्कूटी को टक्कर मार एक कार युवती को 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई और उसकी मौत हो गई। साथ ही बता दें कि मंगलवार शाम को युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और युवती की मां द्वारा आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुई 20 साल की युवती की मौत के केस में एक और नया खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा की जा रही जांच में पहले तो ये पता लगाया गया कि स्कूटी पर युवती अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। अब उसकी दोस्त का एक बयान सामने आया है। पीड़िता की दोस्त ने मंगलवार को मीडिया को बताया
कि अंजलि को कार के नीचे 12 किलोमीटर तक घसीटने वाले लोगों को पता था कि वह कार के नीचे फंस गई है। उसने बताया कि बलिनों ने हमारे सिर पर टक्कर मारी, मैं एक तरफ गिर गई और वह सामने की ओर गिर गई। मेरी दोस्त कार के नीचे फंस गई थी और कार में बैठे लोगों को पता था कि वह उनकी कार के नीचे है। लड़की कार के नीचे फंसी हुई थी और वह चिल्ला रही थी, मैं डर से घर चली गई। आपको बता दें कि इस कंझावला कांड में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 279 यानी तेजी से गाड़ी चलाना और 304A यानी लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दीपक खन्ना उम्र 26 साल, अमित खन्ना 25, कृष्ण 27, मिथुन 26 और मनोज मित्तल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संबोधन में कहा कि हमारे पास यह सूचना है कि रूस शाहिद से हमला करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें, शाहिद विस्फोट करने वाला ड्रोन है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के 10 महीने बाद उनका लक्ष्य हमारे लोगों, हमारी वायु रक्षा, हमारी ऊर्जा को खत्म करना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के त्रुटिपूर्ण युद्ध प्रयासों को सही साबित करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जिन्हें हाल के महीनों में यूक्रेन के पलटवार से नुकसान पहुंचा है। बता दें, यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसके चलते क्रेमलिन को एक और नया झटका देते हुए यूक्रेनी सेना ने पूर्वी डोनेट्स क्षेत्र में एक स्थान पर रॉकेट दागे जहाँ रूसी सैनिकों को रखा गया था। इस हमले में 63 रूसी सैनिक मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सैनिकों पर किए गए यह सबसे घातक हमलों में से एक है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।